श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय हो। तो यमुना जी भी भगवान की प्रिया हैं, ये चतुर्थ प्रिया हैं। और यमुना जी कितनी बड़ भागनी हैं कि यमुना जी श्री कृष्ण की तीनों लीलाओं का दर्शन करती हैं। ब्रज लीला में यमुना जी हैं, यमुना तट पे सब विहार होते हैं। मथुरा लीला में भी यमुना जी हैं, और द्वारिका लीला में वहाँ जल रूप में यमुना जी नहीं है, तो वहाँ कालिंदी जी के रूप में है, रानी के रूप में है। तो तीनों लीला में यमुना जी विराजमान है। आनंद हो गया, अब कितने ब्याह हो गए, चार हो गए, फिर पांचवें ब्याह की तैयारी। भाई कौन के संग? बोले उज्जैन की राजकुमारी मित्रबिंदा, ये राजाधि देवी की कन्या थी। इनके दो भाई थे बिंद और अनुबिंद। ये बिंद अनुबिंद दुर्योधन के मित्र थे, और इन्होंने दुर्योधन को वचन दे दिया था कि मित्रबिंदा अपनी बहन तुमसे ब्याहेंगे, लेकिन मित्रबिंदा ने नारद जी के मुख से भगवान का यश सुना था। भगवान का यश सुनने से भगवान में प्रीति होती है, इसीलिए कथा श्रवण है। जिसका यश सुनते हैं उसमें प्रीति होती है। हमको संसार इतना अपना क्यों लगता है? क्योंकि हम बार बार उसी के बारे में सुनते हैं, बोलते हैं, विचारते हैं। अनंत जन्म का अभ्यास है, तो स्वप्न में भी संसार को नहीं भूल पाते, जबकि वो अपना नहीं है, अपने प्रभु हैं, पर उतना प्रभु का चिंतन नहीं बन पाता, इसलिए प्रभु में हमारी ममता नहीं हो पाती। मित्रबिंदा ने भगवान का यश सुना था, तब उन्होंने मन ही मन प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु दुर्योधन के तरफ में अपना समर्पण नहीं कर सकती, ये शरीर तो आपकी प्राप्ति के लिए मिला है, हे नंदनंदन द्वारिकाधीश मुझे स्वीकार करो। तो प्रभु उज्जैन पहुंच गए। उज्जैन महाकाल की नगरी तो है, और भगवान का गुरु घर भी उज्जैन में है, सांदीपनी जी का आश्रम, और भगवान की ससुराल भी है उज्जैन। भगवान पहुंचे हैं, मित्रबिंदा जी को प्राप्त किया है। माँ भाई तो माने नहीं, तब माँ ने अपनी बेटी का कन्यादान किया है, और भगवान का पंचम विवाह संपन्न भया। कहिए मित्रबिंदा वल्लभ लाल की जय हो। अब छठा ब्याह। छठा ब्याह कौशल देश अयोध्या की राजकुमारी नग्नजीति। इनके पिता का नाम था नग्नजीत, और इनका नाम सत्या भी है, नग्नजीति भी है। इनके पिता ने अपनी बेटी के ब्याह में कुछ शर्त लगा रखी थी। 7 बैल थे इनके पास बिगड़े हुए, जो मनुष्य की गंध से ही चिढ़ते थे, और शर्त थी जो इन 7ों बैलों को नाथ देगा सोई मेरी कन्या के माथे पे सिंदूर लगाएगा। अब बड़े बड़े राजा आए, चूंकि सत्या बड़ी सुंदर थी, लेकिन बेचारे अपने हाथ पांव तुड़वा तुड़वा चले गए जाने कितने राजा। तब नग्न जीती ने प्रभु को पुकारा, प्रभु पहुंचे, शर्त पता चली, तो जो मनुष्य की गंध से ही चिढ़ते थे बैल, प्रभु ने एक ही रस्सी में ऐसे नाथे जैसे कोई काठ के बैलों को नाथ दे। भक्त लोग कहते हैं, जहां काम न चलता था तीरों और कमानों से, वहां विजय नटवर की होती मुरली की तानों से। और भगवान ने थपथपाए बैल और सबरे नाद दिए, और पकड़ करके खींच दिया उनको। नग्न जीत तो मान गए, आके प्रभु के चरणों में प्रणाम किया, और अपनी कन्या श्री प्रभु को प्रदान की, कन्या दान किया। तब प्रभु के छठे विवाह संपन्न भये। कहिए सत्या वल्लभ लाल की जय हो। और दहेज में प्रभु को बहुत बड़ी सेना दी। भागवत जी में लिखा है 10,000 हाथी, 9,00,000 रथ, 9 करोड़ घोड़े, कितनी हजार दासियां, बहुत बड़ी सेना भी दी प्रभु को। और उन
प्रिया को लेकर के प्रभु द्वारिका जी पधारे। फिर सातवां ब्याह, सप्तम विवाह भया, कैकई देश की राजकुमारी श्रुत कीर्ति की कन्या भद्रा जी के साथ। इन्होंने भी भगवान का यश सुना था, इसलिए प्रथम भक्ति क्या है, भागवत जी के अनुसार भी, रामायण जी के अनुसार भी, भागवत जी के अनुसार पहली भक्ति कौन, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। तो पहली भक्ति श्रवण है, बाकी भक्ति फिर घटित होती हैं। और रामायण जी के अनुसार भी प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, तो वहाँ भी प्रथम भक्ति श्रवण ही है। तो इन्होंने भी श्रवण किया, सो भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो गया। यहाँ कोई मुश्किल नहीं थी, इन भद्रा के पिताजी तो नहीं थे, इनके भाई थे संत रदन, और उनका नाम भी संत था, वे हृदय से भी संत थे। अपनी बहन से पूछा, बहन तुम कैसा वर चाहती हो, इनकी बहन ने कह दिया, ऐसे वर को क्या वरूं जो आज जिए कल मर जाए, अब बरिए गिरधर लाल को तो चुड़लो अमर हो जाए, ऐसे का सिंदूर माथे में लगाऊंगी कि कभी चूड़ी फोड़नी नहीं पड़े। तो ऐसा कौन है, बोले ऐसे तो द्वारिकाधीश है। तो इनके भाई सहज में राजी हो गए, भगवान को निमंत्रण दिया, प्रभु पधारे हैं। तब इनके भाई ने अपनी बहन का कन्यादान किया, सो भगवान के सप्तम विवाह संपन्न भये। कहिए भद्रा वल्लभ लाल की जय हो। अब आठवां ब्याह, आठवां ब्याह कौन से भया, आठवां ब्याह भयो राजा वृत्तसेन मद्र देश की राजकुमारी वृत्तसेन की कन्या लक्ष्मणा जी के साथ। इनके पिता ने भी एक शर्त लगा रखी थी, मछली की परछाई देखकर घूम रही मछली, और जल में परछाई देख के निशाना लगाना था काट की मछली के आँख में। स्वयंवर में बड़े बड़े पधारे, कर्ण और दुर्योधन जैसे भी पधारे, सबका निशाना चूक गया, पर ये लक्ष्मणा भी प्रभु को ही चाहती थी। तो भगवान भी स्वयंवर में पधारे, सबको लगा कन्हैया कहाँ चला पाएंगे धनुष, पर उनको पता नहीं था यही त्रेता वाले श्री राम हैं। और ज्यों महाराज धनुष लेके परछाई में निशाना लगाया, सोई काठ की मछली के तो दो भाग हो गए। और उस समय वृत्तसेन ने अपनी कन्या लक्ष्मणा प्रभु जी को प्रदान करी हैं। तो आठवें विवाह संपन्न भये, कहिए लक्ष्मणा वल्लभ लाल की जय हो। और सब राजा लड़ने को आ गए, अर्जुन ने सबका समाधान कर दिया, और प्रभु की अष्टपट रानियां विराजमान। ये अष्टपट रानियां अष्टधा प्रकृति हैं, ये अष्टपट रानियां नवधा भक्ति में प्रारंभ की आठ भक्ति हैं, और नौवीं भक्ति जो आत्मनिवेदन है, 16,100 रानियां आत्मनिवेदन वाली भक्ति है। तो आठ ब्याह हो गए, कितने बचे हैं, 16,100 भी बचे हैं। वो किन से भय, बोले प्राग ज्योतिषपुर का राजा भौमासुर, इसका एक नाम नरकासुर भी है, ऐसे ये भगवान का ही पुत्र है। भगवान जब वराह बने ना, और पृथ्वी देवी को अपनी दाढ़ों पे लेके आए, तब पृथ्वी देवी गर्भवती भई और उनके यहाँ इसका जन्म हुआ, लेकिन इसने दुष्टों का संग किया। देखिए कितनी बड़ी बात, भगवान का बेटा होके दुष्टों का संग किया तो राक्षस बन गया, और एक राक्षस का बेटा प्रहलाद, उसने नारद जी जैसे महापुरुष का संग किया तो संत बन गया। तो अर्थ क्या है, अर्थ ये है जीवन में संग की बहुत महिमा है, इसलिए भले चादर ओढ़ के सो जाएं, सिनेमा देख लेना अच्छा है, लेकिन कुसंग करना अच्छा नहीं है। चूंकि सोएगा कोई तो समय ही नष्ट होगा, कोई कोई गाना सुनेगा चलचित्र देखेगा थोड़ा समय ही नष्ट होगा, पर जब कुसंग करेगा तो उसका समय नष्ट नहीं होगा, उसका जीवन भी नष्ट होगा।
इसने कुसंग किया तो असुर बन गया, भौमासुर नरकासुर कहाँ रहता था, आसाम में जहाँ कामाख्या देवी है वहाँ इसका निवास था। कामाख्या देवी जो लोग जाते हैं, एक तो गाड़ी का रास्ता है, एक पैदल का रास्ता है, आज भी उसको नरक पथ कहते हैं, इसलिए कि वो नरकासुर ने बनाया था नरक पथ, वहाँ ये रहता था। लेकिन बहुत क्रूर था ये, स्त्रियों का भूखा था, इसने सारी दुनिया में से देवताओं की, गंधर्वों की, ऋषियों की, मनुष्यों की, नागों की, जाने कहाँ कहाँ की बेटियाँ उठा रखी थी, अपहरण स्त्रियों का, कुंवारी कन्याओं का, और सबको लाकर के अपने उस कैद खाने में डाल रखा था। उनकी संख्या 16,100 हो गई थी, और सोचता था जब बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी तब एक संग इनसे ब्याह करूंगा। ये सारी कन्याएं रोया करती थी, ये बलवान बहुत था, लेकिन भगवत कृपा से, योग माया की इच्छा से वो कभी इन कन्याओं को छू नहीं पाया था। ये पवित्र थी सब कन्याएं, लेकिन थी कैद खाने में, और रात दिन रोया करती थी कि हमारा ये संकट कैसे कटेगा। देखिए, इनकी पुकार भगवान ने तो पीछे सुनी, पहले इनकी पुकार नारद जी ने सुन ली, और नारद जी कारागार में प्रकट हो गए और इन कन्याओं से कहा, देखो केवल रोने से काम नहीं चलेगा, तो कैसे काम चलेगा? बोले, भगवत नाम लेकर रोने से काम चलेगा, इसलिए कष्ट के समय में भी हाय हाय नहीं करना है, हरी हरी करना है। सहायता मांगनी है हरी से ही मांगनी है, अगर कष्ट नहीं सहन हो रहा उसका निवारण भी कहना है तो हरी को ही कहना है। तो नारद जी ने इनको समझाया, उपदेश दे गए, और तब ये सब कन्या प्रभु को पुकारने लगी। ये कन्याएं प्रभु से सहायता मांग रही हैं, पुकार रही हैं, हम भी इनके साथ साथ पुकारें। ये कन्याएं गाने लगी, प्रभु हम पे कृपा करना, हरि हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, हरि हम पे दया करना। बैकुंठ तो दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, हरि हम पे दया करना। नाचेंगी मोर बन के घन श्याम तेरे द्वारे, नाचेंगी मोर बन के तेरे द्वारे, मेरे नाच छाए रहना बन कर के मेघ कारे, मेरे नाच छाए रहना बन कर के मेघ कारे, बन कर के मेघ कारे, बन कर मेघ तारे, अमृत की बूंद बन कर, अमृत की बूंद बन कर, प्यासों पे दया करना, अमृत की बूंद बन कर, प्यासों पे दया कर।
शरण है तिहारी, हम शरण है तिहारी, हम दास है तिहारी, हम दास है तिहारी, हमें सेवा में रखना, हमें सेवा में रखना, कृपा करना हरि हम पे दया करना, हरि हम पे कृपा करना, हरि हम पे दया करना, तुम्हारे दरस बिना हम दिन रात हैं उदासी, तुम्हारे बिना हम दिन रात है उदासी, अपनी शरण में ले लो हे नाथ ब्रज के वासी, अपनी शरण में ले लो हे नाथ ब्रज के वासी, हे नाथ ब्रज के वासी, हे नाथ ब्रज के वासी, तुम मोहन रूप बन कर, तुम मोहन रूप बन कर, श्वासों में रमा करना, तुम मोहन रूप बन कर, श्वासों में रमा, हम दासी है तिहारी, हम दासी है तिहारी, हम शरण है तिहारी, हम शरण है तिहारी, हमें सेवा में रखना, हमें सेवा में रखना, हमें चरणों में रखना, हमें चरणों में रखना, प्रभु हम पे कृपा करना, हरि हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, हरि हम पे दया करना, हरि हम पे कृपा करना, हरि हम पे दया करना, हरि हम पे दया करना, हरि हम पे कृपा करना, हरि हम पे दया करना, हरि हम पे दया करना, हरि हम पे कृपा करना, हरि हम पे कृपा करना, आनंद हो गया, विह्वल होकर करुणा से भर के प्रभु को पुकारा, और देखिए कहां प्राग ज्योतिषपुर और कहां द्वारिका जी, भगवान के कान में पुकार पहुंच गई, और भगवान उस समय सत्यभामा जी को साथ लेकर के रथ में बैठकर चले। बोले युद्ध करने जा रहे प्रभु, सत्यभामा जी को साथ क्यों ले लिया? बोले इसलिए वहां भौमासुर को मारना होगा, और जब पृथ्वी देवी को पता चला था मेरा पुत्र असुर हो गया तो भगवान से वर मांगा था, प्रभु मेरे पुत्र को मत मारना। भगवान ने कहा भाई भले हमारा पुत्र असुर हो गया तो मारेंगे, पृथ्वी देवी ने कहा इतना वचन दे दो जब तक मैं न कहूं तब तक मत मारना। पृथ्वी देवी ने सोचा माँ क्यों कहेगी बेटे को मारने को, तो भगवान सत्यभामा जी को साथ ले गए। इस अवतार में पृथ्वी देवी सत्यभामा जी में ही प्रकट होके आई है, तो सत्यभामा जी उस समय कह देंगी तो मार डालूंगा। इस आशय से सत्यभामा जी को लेके चले, और महाराज प्राग ज्योतिषपुर तो एक बहुत बड़ा किला था, चारों ओर समुद्र, खाइयां, अपने आप को इतना सुरक्षित किया था इसने। प्रभु पहुंचे, कितनी कितनी सेना ने आके घेराव कर लिया,
उस समय इसका एक सेनापति था जिसके पांच सिर थे, नाम था मुर। भगवान से लड़ने को आया, भगवान ने इसके सेना सेनापति सबको मार दिया। जब मुर को मारा तो भगवान का एक नाम मुरारी हो गया। और फिर प्रभु खाइयों को लांग करके आगे को बढ़े हैं और तब भौमासुर के साथ घमासान हुआ है। लेकिन भगवान इस दुष्ट को खिला रहे थे, मान नहीं रहे थे। कभी ये हावी होता, कभी प्रभु हावी होते। बहुत देर हो गई, सत्यभामा जी ने कहा, प्रभु मारते क्यों नहीं हो इस असुर को? भगवान ने कहा मार दो, सत्यभामा जी ने कहा मार दो। बोले बस यही सुनना था। जैसे कहा तैसे भगवान ने चक्र छोड़ा और इस भौमासुर का सिर तो कट गया है। आत्मजोत कहीं प्रभु के चरणों में समाई है। और अब प्रभु उन कन्याओं के पास पहुंचे जो कारागार में बेड़ियों से बंधी हुई थी। जैसे प्रभु पहुंचे, अपने आप बेड़ियां खुल गई हैं। सबने एक साथ श्री कृष्ण को प्रणाम किया है। तब भगवान ने उन कन्याओं से पूछा, बताओ आप कहाँ की बेटी हो, कहाँ की राजकुमारी हो, कहाँ की रहने वाली हो? सबने अपना परिचय दिया। भगवान ने उन सब कन्याओं के अपने अपने घर जाने की व्यवस्था कर दी, जो जहाँ की बेटी थी। लेकिन संसार बहुत विचित्र है महाराज, उन बेटियों के माता पिता ने उनको रखने से मना कर दिया, घर वालों ने नहीं रखा। तुम इतने दिन उस राक्षस के रहे आई हो, अब तुमसे ब्याह कौन करेगा? लोग हमारा नाम धरेंगे, अब जहां से आई हो वहां चली जाओ। ये कन्याएं लौट आई, कोई सोच रही थी आत्महत्या कर लें, संसार से तिरस्कृत हो गई। तब सब भगवान के पास आई। भगवान ने कहा क्या हुआ? इन कन्याओं ने कहा महाराज, हमारे माता पिता और घर के लोग भी हमको स्वीकार नहीं कर रहे। उस समय भगवान ने भुजा उठा के कहा, जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूं, मैं तुम सबको स्वीकार करूंगा। और उस समय प्रभु ने 16,100 रथ मंगवाए हैं, सारी उन देवियों को बैठा करके द्वारिका जी पहुंचाया है। और प्रभु ने 16,100 मंडप, 16,100 पुरोहित, स्वयं 16,100 रूप धारण किए हैं और एक ही मुहूर्त में सारी उन कन्याओं के साथ विवाह कर लिया। देवताओं ने फूल बरसाए, कहिए बहु वल्लभ लाल की जय हो, द्वारकाधीश भगवान की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो ऐसे भगवान के 16,108 ब्याह भाई। अब जिनको जानकारी नहीं होती, संसार में लोग बहुत अंटसंट बोला करते हैं, अरे कृष्ण भगवान ने तो इतने ब्याह किए, अरे भाई तुम्हारे बस की हो तुम भी कर लो, श्री कृष्ण जैसी सामर्थ है क्या, इतने ब्याह किए, ऐसा किया वैसा किया। अरे भाई भागवत खोल के देखोगे तब तो पता चलेगा क्यों किए, कैसे किए, कहाँ किए। जैसे अब उल्टा हो रहा है, अब लोग पेट में बेटियों को मारते हैं, तो पुरुषों का जो अनुपात है वो बढ़ रहा है, कन्याओं का घट रहा है। अरे बेटी नहीं रहेंगी तो बेटे कहाँ से आएंगे? हमारे किसी शास्त्र में भेदभाव नहीं लिखा। तो स्त्रियों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए हिंदू राजा लोग अनेक ब्याह करते थे। पिता लोग खुद अपनी कन्याओं का ब्याह करते थे, वो बहुत योग्य राजा है, बेटी बहुत खुश रहेगी, ऐसे दिव्य राजा से ब्याह होगा, अच्छी संतान पैदा होगी, हमारा मान बढ़ेगा। तो कोई खेचातानी नहीं थी। भारत में गंदगी फैलाई उन लोगों, जितनी गंदगी लाए संस्कार से संबंधित, संस्कृति से संबंधित सब वही लाए। कहीं भारतवर्ष में माँ बहन की गाली नहीं दी जाती थी, ये सब थी नहीं गंदगी, ये सब उन्हीं की देन है। और उसको इस कदर आत्मसात, चूंकि मनुष्य का स्वभाव है वो गंदी चीज बहुत जल्दी सीखता है, अच्छी चीज सीखने में बहुत बहुत समय लगता है, गंदी चीज जल्दी पकड़ता है बेटा। तो प्रभु ने एक साथ विवाह किया, इंद्र का मान भी मर्दन किया। और अब तो कितनी बड़ी गृहस्थी, और ऐसा न समझें कि 16,100 रानी लाके ऐसे बसा दी हो, भगवान उतने ही रूप धर के द्वारिका जी में विराजमान रहे, माने प्रत्येक रानी के महल में प्रभु विराजमान है। 16,108 महल बने हैं, जिनमें 8 पटरानी हैं और
16,100 रानी हैं और सबकी सिरमौर रुक्मणी जी, रुक्मणी जी सब में बड़ी रानी, ऐसे सुंदर रूप में विराजमान भए। और फिर कितना विस्तार हुआ, एक एक रानी से 10-10 पुत्र और एक एक पुत्री का जन्म हुआ, खूब बड़ा परिवार। और फिर उनके विवाह हुए, फिर उनके पुत्र बेटियों के ब्याह हुए, बहुत बड़ा। द्वारिका लीला में भगवान ने पूरा गृहस्थ दर्शन दिया है मनुष्य को, बहुत बड़ा परिवार। भागवत जी में लिखा है कि 3,88,00,000 तो अध्यापक थे जो भगवान के पुत्र पौत्रों को पढ़ाते। द्वारिका के सैनिकों की संख्या 1 नील, सैनिकों की संख्या, ये जो नील का आंकड़ा है अरब खरब से भी बहुत आगे का है। जो हिंदी की गिनती है वैदिक गिनती वो अलग है, ये अंग्रेजी की गिनती का आंकड़ा अलग है। अंग्रेजी में तो शायद खरब से ऊपर कोई आंकड़ा नहीं होता, पर हिंदी की गिनती में होते। तो 1 नील सैनिक, और कितना विस्तार, लेकिन प्रभु सब किसी को प्रसन्न किए। एक बार श्री नारद जी आए, मन में सोचा कि चल के तो देखो प्रभु इतनी रानियों का निर्वाह कैसे कर रहे हैं, चल के देखूं। नारद जी पधारे, सीधे रुक्मणी जी के भवन में गए, देखा भगवान रुक्मणी जी के साथ सोने के झूले पे झूल रहे। जैसे नारद जी को आते देखा, प्रभु भागे, चरण धुलाए नारद जी के, आसन पे बिठाए, माला चंदन किए, जिमाया, दक्षिणा दी, इस भाव से कि मैं तो ग्रस्ती हूँ, मेरे घर संत पधारे हैं। बहुत सेवा सम्मान, नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। और फिर नारद जी वहाँ से चले, नारद जी ने समझ लिया कि भगवान रुक्मणी जी को सब में ज़्यादा प्रेम करते इन्हीं के महल में है। तब वहाँ से चल करके जाम्बवती जी के महल में गए, तो देखा नारद जी ने कि भगवान सांब को गोद में खिला रहे हैं, जाम्बवती के लाला को गोद में खिला रहे हैं। फिर वहाँ से निकल करके सत्यभामा जी के महल में गए, तो देखा सत्यभामा जी के साथ प्रभु खेल रहे हैं। नारद जी को लगे कहीं भीतर भीतर कोई चोर दरवाजा तो नहीं है, मैं बाहर से आता हूँ, भगवान भीतर भीतर आ जाते हैं। लेकिन नारद जी सवेरे से शाम तक घूमते रहे रानी के महलों में, जहाँ जाए वहीं भगवान बैठे दिखाई दे गए। तब तो अंत में नारद जी ने स्तुति करी, अनंत रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, हे नारायण हे